कोई वह प्रमुख कार्यरत नहीं है। तो राजेश जी, किस प्रकार से लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच आप किस प्रकार से कार्यरत हैं और किस प्रकार जरूरतमंद और इस बीमारी के बीच लोगों को इस बीमारी से लड़ने की एक आपकी पहल उनकी हेल्प कर पा रहे हैं? ऐसा है कि ये जो कोरोना है, कोरोना या कोविड जिसको एक संक्षिप्त नाम दिया है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये जब से इंडिया में आया हुआ है, खास करके मार्च के बाद जिस तरीके से ये यहाँ पे स्प्रेड हो रहा 24 तारीख के बाद लॉकडाउन हुआ, इतना तुरंत विदाउट एनी नोटिस लॉकडाउन होने के कारण काफ़ी लोगों को जिनके हैंड टू माउथ परिस्थितियाँ थी, जिनके व्यवसाय बंद हुए, ठप हुए, ऐसे लाखों लोग इस मुंबई में ये वंचित रहे, जो कि डेली जो उनको फूड है वो मिलने से। तो शिवसेना ने ये प्रयोग किया और बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया, खास करके के वेस्ट में मैं कहूँगा। और आज अपन जो जिस वार्ड में खड़े हैं वहाँ की नगर सेविका प्रतिमाताई खोपड़े, हमारे शाखा प्रमुख सतीश जी परब, इनके माध्यम से ये प्रभाग 59 पे हमने कम से कम हर दिन 3200 लोगों को फूड पैकेट्स दिए रेडी में, जो हर दिन देते थे। बाद में कम से कम इस 59 में 3500 घरों में शिवसेना की तरफ से और कॉरपोरेटर की तरफ से ये ग्रोसरी 15 दिन की दी गई है। दूसरा कि अलर्टनेस विभाग में अलर्टनेस हो, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, इसके माध्यम से बहुत सारी ये प्रोपोगंडा किया गया कि ये जो कोविड है ये एयरबॉर्न नहीं है लेकिन छूने से फैलता है, तो इसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ये माध्यम से सबको अलर्ट करना, ये भी शिवसेना के माध्यम से यहाँ पे हुआ।